त्रिगणी में चरोदा स्थित हनुमान मंदिर में महाअष्टमी के अवसर पर शनिवार को पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर हवन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल सपरिवार शामिल रहे। चरोदा स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में महाअष्टमी पर्व पर अष्टमी हवन बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ भक्तों के द्वारा मनाई गई। महाअष्टमी के हवन पूजन कार्यक्रम में दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल सपत्नी हवन पूजन कार्यक्रम में भाग लेकर हवन कुंड में आहुति डाली और सुख समृद्धि की कामना की। श्री बघेल ने हनुमान जी को आभूषण की माला भी भेंट की। पंडित संतोष शर्मा ने विधि विधान से पूजा संपन्न कराई। कोरोना काल के बाद हनुमान मंदिर में भक्तों की भीड़ दिखाई दी। यहाँ माताएं बहने सुबह से ही पूजा की थाली सजाकर श्रृंगार कर मंदिर पहुंची। वहीं इस अवसर पर सांसद विजय बघेल ने नवरात्र पर्व की शुभकामनाएं शहर वासियों को दी। बहुत दिनों से हम सब कोरोना महामारी के कारण सब अपने अपने घरों में थे, लेकिन माता की कृपा हुई, हनुमान जी की कृपा हुई, भगवान रामचंद्र जी की कृपा हुई और ईश्वर की लीला कि आज हम सब स्वस्थ मन से एक बार सामान्य जिंदगी जीने के लिए आज हम सब सौभाग्य पाए हैं। और दो साल तक नवरात्रि का पावन पर हम लोग सामूहिक रूप से नहीं मना पा रहे थे, अपने घरों में ही सीमित रूप से हम लोग माँ की महिमा का मखान करते थे, माँ को श्रद्धा नमन करते थे, लेकिन आज पूरे तन से मन से हृदय से आत्मा से हम सब फिर से एक बार इस हनुमान मंदिर के पवित्र प्रांगण में सम्मानीय पंडित संतोष शर्मा जी के माध्यम से यज्ञ करने हवन करने यहाँ उपस्थित हुए। मैं सभी भक्तगणों को, माताओं बहनों को, बुजुर्गों को, युवा साथियों को, बच्चों को इस शुभ मेला की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। और इसी तरह हम सब अनेक प्रकार के दुख से उभर के हम सब ऐसे सुख के सागर में हमेशा गोता लगाते रहें और मन को, अपने मन को शांति प्रदान करते रहें। इसी भावना के साथ फिर से एक बार हम सब मिलकर हनुमान जी महाराज के इस प्रांगण की महिमा बढ़ते जा रही है। जो भी इस दरबार में आए हैं उनकी इच्छा पूर्ति हुई है, उनकी आत्मा तृप्त हुई है और उनको एक अद्भुत सुख और शांति की अनुभूति हुई। वहीं महाअष्टमी के अवसर पर मंदिर के पुजारी संतोष शर्मा व शामिल भक्तों ने भी अपनी शुभकामनाएं शहरवासियों को दी। हम अष्टमी के उपलक्ष्य में मैं प्रदेशवासियों को यही कहता हूं कि अभी भी सावधानी बरत करके चलना चाहिए और अपनी भक्ति भाव के साथ अपनी आराध्य देवी का पूजा करना चाहिए। वही रक्षा करने वाली है, वही सबका कल्याण करने वाली है, यही मेरा संदेश है। और आज अष्टमी के पावन पर्व पर मैं सभी को अपने भक्त जन सहित देश से प्रदेश तक के शुभकामनाएं देता हूं और सबके स्वास्थ्य की रक्षा की कामना श्री हनुमान जी से करता हूं। महाअष्टमी के पावन पर्व पर आज नवरात्र का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है और आज अष्टमी का हवन सुबह से ही शुरू हो गया था जो अभी संपन्न हुआ है। महाअष्टमी पर्व पर सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रदेशवासियों एवं जिलेवासियों को माता रानी सबका कल्याण करे, सुखमय जीवन दे। कोरोना काल के बाद आज दो वर्षों के बाद हम लोग उत्साह से उमंग के साथ सब महाअष्टमी पर्व का हवन किए हैं, बड़ा आनंदित और सुखमय रहा है। धन्यवाद। बहरहाल इस हवन पूजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और हवन कुंड में आहुति डालकर संसार में सुख समृद्धि की कामना की। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।